हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइक या स्कूटी के ऑडोमीटर में या स्पीडोमीटर में इकोनॉमी मोड क्या होता है, या हरे अक्षर से लिखे इकोनॉमी मोड का मतलब क्या होता है। या बहुत सारे आप बाइक या स्कूटी के ऑडोमीटर में देख सकते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर घंटे के बीच हरा लाइन बना होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोगों को अभी तक यह नहीं मालूम है तो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, बाइक या स्कूटी के स्पीडोमीटर में लिखे इस इकोनॉमी मोड या हरे रंग की लाइन का मतलब यह होता है कि अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी को 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलाते हैं तो आपकी बाइक या स्कूटी का एवरेज बहुत ही सही मिलेगा। आइए अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर एयर फ्यूल का रेशियो 4:1 होता है, मतलब 4 भाग एयर का होता है और 1 भाग फ्यूल का होता है। इस एयर फ्यूल मिक्सचर को रिच मिक्सचर कहते हैं। जैसे ही आप बाइक या स्कूटी का एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं और आपकी बाइक या स्कूटी का स्पीड बढ़ता है तब एयर फ्यूल का रेशियो चेंज होता है। जैसे 6:1, 8:1, 10:1 आप एयर फ्यूल चार्ट देख सकते हैं। एक समय बाद 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपकी बाइक या स्कूटी पहुंच जाती है। उस टाइम पर 15:1 का रेशियो इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है, जिससे आपकी बाइक या स्कूटी का इंजन बेटर परफॉर्म करता है, जिससे आप लोगों के बाइक या स्कूटी का एवरेज बहुत सही रहता है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कोई जल्दीबाजी या इमरजेंसी का काम ना हो तो आप लोग बाइक को इकोनॉमी मोड या 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच ही चलाएं। आजकल आप लोग देख ही सकते हैं पेट्रोल की महंगाई, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो यह आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।